जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रेमजीत सिंह जीत फाउंडेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी स्पेशल गेस्ट है वर्षा चौधरी मैम, जिन्होंने CSIR नेट JRF ऑल इंडिया रैंक 84th लाया है। इसके पहले इन्होंने एग्जाम दिया था प्रीवियस ईयर में, तब LS यानी कि जो CSIR के द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाता है उसमें 44th रैंक थी इनकी ऑल इंडिया रैंक। तो आज पूरा चर्चा करेंगे हम इनसे कि कैसे केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में, नेट जैसे एग्जाम में हम बड़े ही सुगमतापूर्वक एग्जाम को क्रैक करें, क्या क्या चुनौतियां आती हैं, सोर्सेस कहाँ से हो, कौन से बुक्स पढ़े, कैसे टीचर उसमें गाइड करते हैं, किसका किसका क्या योगदान रहता है। तो छोटी से छोटी बात को हम आज डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बड़ा उपयोगी रहेगा। तो मैं स्वागत करता हूँ वर्षा चौधरी मैम का। थैंक यू। और मैं चाहूंगा कि पहले आप अपना इंट्रोडक्शन विद्यार्थियों को दें और बताएं कि आपकी जो स्कूलिंग हुई है या कॉलेज वगैरह हुआ है तो वो कहाँ से हुआ, और फिर आपने कब सोचा कि मुझे एक टीचर बनना है, क्योंकि इसका अगर देखा जाए अल्टीमेट पर्पस, अगर आप जेट निकाल नेट निकाल रही हैं तो वो प्रोफेसर बनने का ही है। तो प्लीज आप बताएं इसके बारे में विद्यार्थियों को कुछ। सर, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया अपनी बात रखने का, ये मेरा सौभाग्य रहेगा। आपके जो भी क्वेश्चन है उसका मैं अच्छे से आंसर देने की कोशिश करूंगी। मेरा नाम है वर्षा चौधरी और मैंने 2020 वाले बैच में अपना मास्टर डिग्री लिया है, मैंने गवर्नमेंट बिलासा गर्ल्स PG कॉलेज से अपना मास्टर कंप्लीट किया हुआ है। उसके बाद ही मैंने सोचा था कि मैं CSIR नेट का एग्जाम दूंगी, तो 2020 वाले बैच में ही मैंने अपना पहला एग्जाम दिया था और उसके बाद मैं कंटिन्यू ये एग्जाम दे रही थी। कोरोना की वजह से बीच में एग्जाम नहीं हो पाई थी, लेकिन मैंने तब तक अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी और इस बार फाइनली मुझे JRF मिला है 84 रैंक के साथ। तो इस तरीके से मेरा एग्जाम क्लियर। तो सबसे पहले मैं ये जरूर अपने विद्यार्थियों की तरफ से पूछना चाहूंगा कि जो नेट है सभी जानते हैं कि वो एक टफ एग्जाम है और ऑल इंडिया लेवल पर उसको फाइट करना होता है, और उसमें भी केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट। तो कहीं सबसे पहला मोटिवेशन आपको मिला हो किसी टीचर के द्वारा, तो मैं चाहूंगा आप उनका जरूर जिक्र करें, और इसकी जो तैयारी होती है बुक्स वगैरह सोर्सेज वगैरह, तो उसका एक डिटेल जो है ओवरव्यू बच्चों को बताएं जिससे उनको हेल्प मिले। ठीक है सर, पहले तो मैंने BSc का डिसीजन इसलिए लिया था कि मैं PSC की तैयारी करना चाहती थी, तो मैंने सोचा कि BSc मैथमेटिक्स से कर लेते हैं, अगर BE करेंगे तो 4 साल का कोर्स है तो BSc कर लेते हैं तो 3 साल में हो जाएगा कंप्लीट, तो वहां से मैं अपनी तैयारी कंटिन्यू कर लूंगी। लेकिन जैसे ही मैंने BSc में अपना एडमिशन लिया तो कॉलेज के मेरे टीचर्स इतने सपोर्टिव थे, केमिस्ट्री की भी एक्स्ट्रा क्लासेस लेके कोर्स हमारा कंप्लीट कराया गया, तो वहां से मैंने सोचा कि चलिए MSc कर लेते हैं केमिस्ट्री में, इतने अच्छे प्रोफेसर्स मुझे मिल रहे हैं। तो मैंने MSc किया। उसी साल हमारे एक गेस्ट फैकल्टी आए डॉक्टर दीपक पटेल करके, उन्होंने दीपक पटेल, हाँ दीपक पटेल सर, तो उन्होंने नेट क्वालिफाई किया हुआ था, तो वहां जब उनसे हमारा टीचिंग कराया गया टीचर्स के द्वारा तो समझ में आया कि नेट एग्जाम क्या है, इस तरीके से वो हमारे माइंड में आया कि क्लियर करना चाहिए। फिर दूसरा थॉट तो ये था कि अगर मैं मास्टर डिग्री ले रही हूँ तो क्यों ना ऑल इंडिया लेवल पे इसकी जो एग्जाम्स है उसे भी एक बार दिया जाए। तो वहां से मेरा रुझान PSC की तरफ से हट के CSIR नेट की तरफ आ गया, तो वहां से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। वो जो सर थे हमारे, उन्हीं से हमने पहले ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट की थी, साथ में जब कोरोना आ गया 2020 बैच, तो ये हमारी तैयारी बीच में रुक गई थी क्योंकि सब घर चले गए थे, कॉलेज हमारी बंद हो गई, तो उस वजह से ये एग्जाम 2020 में जून में होने वाला था, वो एग्जाम जून में ना होके हुआ नवम्बर में, तो उस टाइम तो मेरे कुछ अच्छे स्कोर नहीं आए थे क्योंकि तैयारी हमारी हो नहीं पाई थी, तो उस टाइम मेरे 50 मार्क्स ही थे। फिर उसके बाद मैंने एक ऑनलाइन बैच परचेज किया, फिर वहां से अपनी जर्नी पूरी कंटिन्यू रखी। इसमें मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि पहले मेरे माइंड में एक बहुत बड़ा भ्रम था कि मैं जिनको जान रही थी वो सब दिल्ली जाके ही अपना एग्जाम क्रैक किए थे, तो मैं खुद भी प्लानिंग कर चुकी थी कि जैसे ही मेरा MSc कंप्लीट होगा तो उसके बाद मैं दिल्ली चली जाऊंगी अपनी तैयारी के लिए। तो पूरी तैयारी के दौरान मेरे माइंड में यही बात चलती रही कि मैं ऑनलाइन पढ़ रही हूँ, मैं जाके ऑफलाइन नहीं पढ़ पा रही हूँ, क्या मेरा एग्जाम हो पाएगा क्लियर या नहीं। लेकिन जो ऑनलाइन कोर्स था उसी को मैंने पूरा फॉलो किया और उसके साथ ही मैंने अपना एग्जाम दिया। तो वो जो एग्जाम था कोरोना वाले ईयर के कारण वो पूरे 1 साल नहीं हो पाया, जबकि जो बच्चे दे रहे हैं एग्जाम सबको पता है कि हर 6 महीने में एग्जाम होना होता है, लेकिन वो एग्जाम पूरे 1 साल नहीं हुआ। 2021 में कोई एग्जाम नहीं हुआ, जाके वो एग्जाम हमारा फरवरी में हुआ 2022 में, तब तक मैंने पूरी कंटिन्यू पढ़ाई की और उसके साथ उसके बाद भी मेरा सिर्फ LS हो पाया था, उस टाइम मेरा 88.5 स्कोर रहा था। उसके बाद मैं घर चली गई, कुछ समय मैंने फिर पढ़ाई छोड़ दी थी, मतलब अब चलिए हो गया है ऐसा सोच के, लेकिन फिर उसके बाद मेरे मन में आया कि नहीं मुझे JRF के लिए ट्राई करना चाहिए,
और मैंने फिर अपनी तैयारी स्टार्ट की। अच्छा, तो जैसे कि आपकी जो बातें मैंने सुनी उसमें तीन बातें निकल के आ रही हैं जो स्टूडेंट्स की तरफ से मैं जरूर पूछना चाहूंगा। पहला तो ये था कि बहुत बार बच्चों को ऐसा लगता है कि वो मनाते रहते इस चीज को कि उन्हें और समय मिले तो उससे अच्छा रिजल्ट आता है, बट आपने जैसा बताया 2020 और 2021 में तो उससे कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट पर प्रभाव पड़ा उल्टा। हाँ। मतलब ये एक घातक भी सिद्ध होता है। और दूसरा ये था कि ऑनलाइन जो स्टडी थी, जो जैसे कि आपने दिल्ली नहीं जाना चुना और उसके बनिस्बत आपने इस बात पे जोर दिया कि मैं ऑनलाइन, मतलब टीचर अगर अच्छा है और आपको प्रॉपर गाइड कर रहा है तो आप ऑनलाइन का जो प्लेटफॉर्म है बहुत अच्छे तरीके से यूज करके और एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। यस सर, यही मैं बात अभी बताना चाहूंगी जो भी मुझे देख रहे होंगे कि स्टडी के लिए आपको जरूरी नहीं है कि आप दिल्ली जाएं, कहीं दूसरे बड़े सिटी जाएं। आप जहां हैं, आजकल ऑनलाइन हमें इतनी फैसिलिटीज मिल रही है और हमें ऑप्शन है हमारे पास कि हम टीचर्स चूज कर सकते हैं। तो पहला काम हमारा यही रहेगा कि हम अच्छे से एनालाइज करें, जिस सब्जेक्ट को हम चूज कर रहे हैं उनके अच्छे टीचर फाइंड करें और उनके बाद उनको लगातार फॉलो करें। देखिए, यहाँ टीचर चूज करना हमारे हाथ में है तो हमें भी इतना करना चाहिए कि एक बार हमने टीचर डिसाइड कर लिया तो उनको फॉलो करना चाहिए, बीच में डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। 2-3 स्टडी मटेरियल ऐसा मैंने प्रिफर नहीं किया था, मैंने जहां से कोचिंग करी थी उसी को मैंने आगे कंटिन्यू किया, पूरे उनके ही मार्गदर्शन में मैंने तैयारी की। हाँ बिल्कुल, जैसे कि ऑनलाइन में तो आपके पास ऑप्शन रहते हैं, यूट्यूब में डेमो वीडियोस डले रहते हैं, आप देखिए जो भी आपका कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है तो उसको टटोल के परख के उसके बाद, मैं शुरू से मैं भी कहता हूँ विद्यार्थियों को कि कभी भी शिक्षक को चुनो तो पूरा जांच पर रख लो, और अगर एक बार चुन लेते हो तो अपना 6 महीने का समय, 8 महीने का समय जरूर उस टीचर को समर्पित करो, उनकी छोटी सी छोटी बातों को ध्यान से सुनो और जैसा कहते हैं वैसा फॉलो करो। तो आजकल ज्ञान तो हर जगह से मिलता है तो भटकते रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। अच्छा, एक चीज और है कि केमिस्ट्री खास करके, जैसे कि उसमें फिजिकल है, इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, और जब नेट का सिलेबस की बात आती है, जेआरएफ अगर आपने क्लियर किया 84th रैंक से तो बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। तो इस दौरान जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता होगा कहीं ना कहीं बुक्स का, आउटसोर्स का होता होगा, तो क्या पर्टिकुलर बुक्स, अगर कोई केमिस्ट्री से रिलेटेड स्टूडेंट देख रहा हो मेरा, तो क्या पर्टिकुलर बुक्स और सोर्स वो यूज करे, तो इस बारे में थोड़ा सा बताइए बच्चों को। सर, जैसे ये सिलेबस आपने बताया कि बहुत वास्ट है, 3 हमारे मेजर सेक्शन रहेंगे, इनऑर्गेनिक, फिर फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। इसके साथ ही स्पेक्ट्रोस्कोपी एक मेजर पार्ट रहते हैं इन सब में। तो हाँ, स्पेक्ट्रोस्कोपी तो 4 सब्जेक्ट है, इनको लेके हमें मेन अपना तैयारी करना रहता है। तो किसी भी बच्चे का, यहाँ तक कि खुद मेरा भी, चारों पार्ट किसी का स्ट्रांग नहीं रहता, थोड़ा सा ना किसी न किसी पार्ट में किसी को तकलीफ रहती ही है। जैसे बीएससी मेरा मैथमेटिक्स था, मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ी सी परेशानी होती थी। अच्छा, तो उसके कारण फिजिकल में हेल्प मिलता था? हाँ, नहीं, मतलब एक बात थी। हाँ। कि जैसे मेरा ऑर्गेनिक वीक था, लेकिन मैंने अपना मन इस तरीके से बनाया कि ऑर्गेनिक अगर मेरा वीक है तो मुझे इनऑर्गेनिक और फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो 3 सब्जेक्ट मेरे और है उनमें मुझे इतना अच्छा करना है कि सामने से मुझे कुछ भी क्वेश्चन मिले तो मैं उसको अटेम्प्ट करूंगी और एकदम सही अटेम्प्ट करूंगी। तो ऑर्गेनिक की तैयारी मैंने थोड़ी ठीक ठाक रखी कि हाँ, सोर्स वगैरह क्या यूज किया था आपने, बुक्स वगैरह, सोर्स वगैरह? मैंने पूरे नोट्स ही प्रिफर करे थे, मतलब जो हमें स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया था। ऑनलाइन स्टडी कर रही थी क्योंकि बुक्स बहुत ज्यादा रहते हैं, फॉरेन राइटर्स के बुक्स से भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो वो सब एक स्टूडेंट के लिए उस 6 महीने के ड्यूरेशन में पढ़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर हम बुक जैसे रिफर करना चाहें तो इस वजह से जो हमारे टीचर हैं वो अपना पूरा टाइम नोट्स में लगाते हैं तो वहां से हमें हेल्प हो जाता है, हमारे टाइम जो है वो सेव हो जाता है और हम अच्छा एग्जाम कम समय में क्रैक करते। तो सीधे तौर पर ये माना जा सकता है कि अगर एक अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट मिले। हाँ। और जो बेहतर, मतलब बाकी सब्जेक्ट्स को एकदम कंपाइल करके नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवाता है, तो बच्चा अगर एकदम आंख बंद करके उन पर भरोसा करे तो वो बहुत अच्छे समय में नेट जैसा एग्जाम भी क्लियर कर सकता है। हाँ, मैंने तो पूरे नोट्स ही प्रिफर करे थे, बाकी हमारी जो बुक्स रहती है एमएससी लेवल पे बुक्स चलती है उनको मैंने बाद में पढ़ना स्टार्ट किया एग्जाम के बाद, जो 2020 वाला एग्जाम था मैंने दिया उसके बाद कुछ डाउट जैसे रह जाते हैं तो उसके लिए मैंने उन बुक को बाद में रिफर करना शुरू कर दिया था। बाकी ऑर्गेनिक में जगदम्बा सिंह की बुक पढ़ी थी मैंने, फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए एच कौर की बुक है, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एक आ जाती है पूरी शर्मा पठानिया की बुक। तो ये जो बुक है वो हमको एमएससी लेवल पे पढ़ाई गई थी तो इस वजह से मैंने उनको रिफर किया था। बाकी और अच्छे राइटर्स की बहुत सारी बुक आती है, लेकिन जैसे कि एक बात और है कि हमारा मीडियम हिंदी रहा है, बीएससी में भी मेरा पूरा हिंदी मीडियम रहा, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के मन में एक फियर रहता है कि एमएससी की जो सारी बुक्स हैं वो इंग्लिश में है,
तो उसको हम कैसे टैकल करेंगे। तो इस वजह से मैंने ये सारी बुक उठाई जो हमारे एमएससी के सिलेबस में थी और जो हमें प्रोफेसर्स के द्वारा दिया गया था, तो मैंने वहां से कंटिन्यू किया इसी वजह से। और एक बड़ा क्वेश्चन ये भी है कि नेट जो एग्जाम है तो सबको पता है कि काफी हार्ड वर्क लगता है इसको क्रैक करने के पीछे। अगर हम देखेंगे कि ऑल इंडिया में रैंक लगाना होता है, मतलब अगर आप 12th एस्पिरेंट हैं तो जैसे आपका हाल आईआईटी के लिए होता है, तो वैसे ही जब हम पोस्ट ग्रेजुएट कर लेते हैं तो उसके बाद वही कॉम्पिटिशन और वही एक टफ जो है फेनोमिनन मिलता है हमको देखने के लिए नेट के एग्जाम में। तो इस ड्यूरेशन में ना बात ये आ जाती है कि इस एज में जब बच्चा बीएससी और एमएससी कर लेता है यानी मास्टर्स कर लेता है, तो पेरेंट्स की नजर रहती है कि कोई जॉब करो भाई, और कहीं ना कहीं साथ वाले जो लोग हैं तो वो अच्छी अच्छी जॉब्स की तैयारी कर रहे होते हैं, तो वो दिखता है पेरेंट्स को कि अरे चलो ये एग्जाम इतना मेहनत कर रहा है, मेरा बच्चा 8 से 10 घंटा पढ़ रहा है, तो एक लाइमलाइट जो कहते हैं ना, तो वो वाली जॉब्स उसे मिलने वाली है, मतलब वो नियर अबाउट क्रैक करने को है। बट नेट में ये चीज देखने नहीं मिलती है जल्दी, उसके बावजूद इतना मोटिवेशन बनाना और इतना हार्डवर्क करना, तो ये चीज बच्चे कैसे मेंटेन करें, मतलब जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं तो वो कैसे मोटिवेट करके रखें खुद को। इसके लिए मैं एक बात कहना चाहूंगी सर, जैसे अगर किसी ने अपना सपना बनाया है कि उसे प्रोफेसर बनना है जी, तो प्रोफेसर बनने की हमारी पहली सीढ़ी ही यही रहेगी कि हमें नेट एग्जाम क्रैक करना होगा। दूसरा ऑप्शन हमारे पास सेट का है जो स्टेट में होता है, तो सेट एग्जाम तो हर स्टेट में देखा गया है कि कंटिन्यू नहीं होता। हाँ, जैसे 4 साल में, हाँ चार साल, पिछले साल 2 साल से नहीं हुआ है और इस साल होने वाला है, तो मैं स्टूडेंट्स को कहूंगा भी कि आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए, बहुत जल्द होने वाले एग्जाम्स। हाँ बताइए। तो इसी वजह से कोई सेट को अपना पॉइंट नहीं बनाता तैयारी करने के लिए, सब तैयारी करते हैं नेट की, उसके बाद वो नेट का ही सिलेबस सेट ने अडॉप्ट किया हुआ है, तो उसके साथ ही वो सेट का एग्जाम देते हैं। तो और जिन एग्जाम में ऐसा रहता है जो कंटिन्यू नहीं होते, जैसे 4 साल बाद होने वाला है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि एग्जाम का लेवल कैसे जाने वाला है, तो जो एग्जाम कंटिन्यू हो रहे हैं तो उसी को प्रेफर करते हैं सब। तो इस वजह से नेट की ही तैयारी की जाती है सेट के ऊपर भी। तो पहला तो मोटिव हो गया कि आपको प्रोफेसर बनना है तो नेट देना होगा, और दूसरा ये हो जाता है कि जो रिसर्च करना चाहते हैं, तो जैसे जूनियर रिसर्च फेलोशिप मुझे अभी मिल गया है, तो उसके अकॉर्डिंग फेलोशिप से मुझे हेल्प मिल जाएगी। अगर मैं अभी कहीं अच्छे इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना चाहूँ तो फिर अप्लाई करके वहां से मैं अपने रिसर्च प्रोग्राम आगे बढ़ा सकती हूँ। ये तो मतलब क्रैक करने के बाद की बात हुई। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है क्योंकि हम जिस परिवेश में रहते हैं भारतीय समाज में, तो एक अपेक्षाएं रहती हैं माता पिता की, नाते रिश्तेदारों की, और आसपास रहने वाले जो अराजक तत्व होते हैं उनका भी। तो उस ड्यूरेशन में अगर मान लीजिए कोई एक बार दे रहा है उसका नहीं निकला और उसने ऑलरेडी मास्टर्स कर लिया है, तो उसके बाद घर वालों की पूरी नजर रहती है, अगर लड़की है तो शादी करवाने का और सेटल करो जल्दी से, और लड़का है तो क्या कर रहा है, बैठ के खा रहा है, ऐसा इस तरीके के सवाल आते हैं। तो इन नेगेटिव थॉट्स को कैसे कोई एक स्टूडेंट ओवरकम करे, क्योंकि जो लोग भी देख रहे हैं वो इस चैलेंजेस को अभी झेल ही रहे होंगे कहीं ना कहीं, तो वो कैसे मोटिवेट रखे खुद को कि हाँ मैं पक्का निकालूंगा, और इस चीज के लिए मतलब क्या सोचना चाहिए क्या सर? देखिए, ये एग्जाम तो नेट हमारा टफ है ही, इसके पहले एक बीएससी के बाद एग्जाम देते हैं जिसे हम जैम कहेंगे, तो जैम का एक एग्जाम होता है। अगर उसको किसी ने क्वालिफाई किया, अच्छी रैंक उसमें लाई, तो वो उसे मौका मिलता है कि आईआईटी और एनआईटीज वगैरह में ही वो डायरेक्ट अपना एमएससी कर ले। तो हमारा ये भी बैकग्राउंड नहीं था, हम एक सिंपल स्टेट के कॉलेज में पढ़ रहे थे, तो हमारे साथ तो ये रहता ही है कि जल्दी से जॉब कर लें, सेटल हो जाएं। तो इस वजह से क्या रहता है कि मैंने जब अपना चुना कि मुझे प्रोफेसर बनना है, तो मैंने ये सोच लिया था कि हाँ समय तो लगता है, क्योंकि नेट निकालने के बाद भी, सेट क्रैक करने के बाद भी, जब वैकेंसी आएंगी तभी आप अपना अप्लाई कर पाएंगे, उसके बाद आप एक पोस्ट ले सकते हैं, तो वेट तो करना पड़ता है। हाँ, इसमें थोड़ा लंबा वेट करना पड़ जाता है क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर ज्यादा डिपेंड रहता है इसमें, और कंटिन्यू वैकेंसी नहीं आती, कुछ समय बाद ही आती है, तो तब तक हमें मोटिवेट खुद को रखना पड़ता है। क्योंकि देखिए, अगर मैंने अपना मास्टर्स लिया है केमिस्ट्री से, एक बार मैं अगर केमिस्ट्री का नेट लेवल तक जाके तैयारी कर लेती हूँ, तो उसके बाद मुझे दूसरे जो एग्जाम है जिसमें केमिस्ट्री का पार्ट है हमारा, तो उसके लिए हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। जैसे अभी पीजीटी टीचर्स की वैकेंसी ऑल इंडिया चल रही थी, एनवीएस में था, केवीएस में था, ईएमआरएस वगैरह में भी आया हुआ है। हाँ, ईएमआरएस वगैरह में भी आया हुआ है। अगर हमारे स्टेट में आ जाता, स्टेट पीजीटी भी के भी एग्जाम्स हो रहे थे, तो हम उनमें अप्लाई करके इजिली उसको क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि आपने हायर लेवल तक पढ़ाई कर रखी है, तो 11th 12th वाले लेवल को कवर करना आसान हो जाता है। जी बिल्कुल। तो ऐसा नहीं सोचना है कि बहुत लंबे समय तक की प्रयास करना पड़ेगा, उसके पहले हमें सफलता नहीं मिल पाएगी। है, बीच में बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिनको हम क्रैक करके उसमें अपना सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है। तो और एक छोटा सा क्वेश्चन है कि बहुत अच्छी तैयारी के बाद भी बहुत विद्यार्थियों के साथ ऐसा होता है कि
बहुत अच्छी तैयारी होती है, मतलब मैं पर्सनली ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ, और एग्जाम हॉल में जब वो जाते हैं एंटर करते हैं तो इतने सारे प्रेशर्स रहते हैं, खुद को साबित करना रहता है, तो फिर वो वहाँ पे उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ क्या माइंडसेट होना चाहिए जब हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं और पेपर को डील कर रहे हों, तो उस समय एक पॉजिटिव एटीट्यूड या क्या, मतलब किस तरीके का अप्रोच, क्योंकि नेट जो है वो उस समय टफ, काफी टफ एग्जाम माना जाएगा और टाइम जो बैलेंस है, तो ये दो चीजों कैसे मतलब बच्चा वहाँ हैंडल करे। सर नेट के लिए तो ये मैं बताना चाहूंगी पर्सनली कि नेट में हमें ऑप्शंस मिलते हैं कि हमें सी सेक्शन जो रहता है हमारा मेजर पार्ट, 4 नंबर के क्वेश्चन जिसमें आते हैं, तो उसमें रहते हैं हमें 60 क्वेश्चन मिलेंगे, हमको करने 25 ही रहते हैं। तो तैयारी के दौरान ही हमें अपना स्ट्रांग पार्ट और कौन से पार्ट हमें स्किप करने हैं, कौन से क्वेश्चन में हमें कम ध्यान देना है, कौन सा देखते ही स्किप करना है, इसका बहुत बड़ा रोल रहता है CSIR नेट के एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन हमें छोड़ने के ऑप्शन वहां दिए जाते हैं। टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। तो इसके लिए तो मतलब फिर यानी कि मॉक टेस्ट वगैरह पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। मॉक टेस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब टेस्ट लगाते हैं तो जितना ज्यादा हम टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे उतना ज्यादा हमारा माइंड ये एक्सेप्ट कर पाएगा कि हमें कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं एग्जाम में और कौन से क्वेश्चन को स्किप करना है। ये हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है एग्जाम हॉल में। और मेन बात रही प्रेशर की, तो मैंने जब एग्जाम दिया था 2021 में हुआ हमारा एग्जाम, उस टाइम मैंने कंटिन्यू 1 साल मेहनत किया था, बहुत ज्यादा पढ़ाई भी की थी पूरे उस फेज में, लेकिन क्या हुआ कि मेरे 88 मार्क्स ही आए उस टाइम, तो मुझे सिर्फ LS मिला। तो मेन उस टाइम क्या था कि मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट ही समझेंगे तैयारी के बाद, तो इस वजह से उस टाइम प्रेशर था कि मुझे निकालना है, 1 साल मैंने मेहनत की है, मैंने बाकी सब कुछ छोड़ दिया था इसके लिए, बस इसी को मैं पढ़ रही हूँ तो करना ही है। तो उस टाइम कहीं ना कहीं मैं थोड़ा पैनिक हुई, लेकिन उसके बाद अभी जब मैंने एग्जाम दिया तो मैंने उससे कम पढ़ाई की है अभी, क्योंकि जो पहले मैंने बहुत ज्यादा अपना समय लगाया था, अभी तो फिर मैं दूसरे एग्जाम्स के लिए भी बीच में प्रिपेयर कर रही थी, तो इस वजह से थोड़ा कम ध्यान दे पाई थी। लेकिन आपने साथ केंद्रीय विद्यालय का भी एग्जाम, हाँ केंद्रीय विद्यालय वाला भी एग्जाम दिया, संभावनाएं हैं मतलब वो निकल ही जाएगा, तो केंद्रीय विद्यालय वाला भी एग्जाम दिया, उसके बाद अभी जो हमारी स्टेट में आया हुआ था मिडिल स्कूल वाले टीचर का, इन सबके भी एग्जाम मैंने दिए क्योंकि मैंने बीएड कर रखा था, तो उसी टाइम पे ये मेरा JRF का भी एग्जाम था। तो अभी मैंने कम पढ़ाई की थी पहले के कंपेयर में, लेकिन बात ये था मेरे पास कि मेरे पास नेट है, मुझे टेंशन लेने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा काम तो चल ही रहा है, प्रोफेसर के लिए तो मैं एलिजिबल हूँ ही, तो इस वजह से जो वो एक शांति था मेरे माइंड में, उसने मुझे बहुत हेल्प की अपने एग्जाम को अच्छे तरीके से देने में। ठीक, तो अब मैं विद्यार्थियों से कहूंगा कि आप लोग के मन में कोई भी अगर सेट या नेट के एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स वगैरह होंगे तो वो कमेंट में जरूर बेझिझक होके लिखेंगे, और मैं दोबारा एक बार और मैम से और रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उन सबका एक बंच बनाया जाएगा, और आपके जो भी क्वेरीज हैं तो आप जरूर कमेंट करके और लिखिएगा इस वीडियो के नीचे, और बताइएगा कि कैसे क्या आपकी परेशानियां हैं, और मैम जो है वो खुद आके हमारे प्लेटफॉर्म से, जीत फाउंडेशन क्लासेस के प्लेटफॉर्म से, और आपके उन सभी जो भी डाउट्स वगैरह होंगे उनको सॉल्व करेंगी, और एक अनाउंसमेंट है वो आपको कल जो है वो बता दिया जाएगा। और मैं फिर से आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, और सभी विद्यार्थियों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चीजों को समझे जाने और बेहतर जो तैयारी है वो करें, और एक बात वही कि फिर से कि जब जहां से भी आप पढ़ते हैं वहीं पढ़ें, और जो गुरु है उस पर आस्था जो है वो बना के रखें, आपको जरूर कामयाबी मिलेगी। और बाकी पूरा जीत फाउंडेशन और जीत फाउंडेशन परिवार, सत्यजीत सर मैम सब लोग आपके एग्जाम के लिए आगे भी हमेशा तैनात मिलेंगे तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।